जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा जाएंगे तो नकल जमा चलो, नकल जमाई के जी। तो जद्दा का पूछ रहा था वो बंदा, तो मैंने उसको हुआ था मैं आपको मौक़ तक छोड़ सकता हूँ, जब नकल जमाई यहाँ से टैक्सियाँ जाती हैं। तो हमने बोला कि थोड़ा जल्दी जाएंगे, नकल जमाई थोड़ा लेट कर देती है, छोटी टैक्सी पकड़ लेते हैं तो इधर से ही मिल जाएगी। बहरहाल मैं आपको वीडियो में ये बताऊँगा कि मदीना मुनव्वरा में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 दिन गुजार दिए, आपके साथ मुझे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में इस चेकिंग क्या सूरत हाल रही, जैसा कि बैक कैमरा चलाता हूँ आपको कुछ व्यू भी दिखाता हूँ, साथ में बता भी देता हूँ। ये हरम शरीफ के इस वाली साइड है, इस तरफ जाएंगे तो आपको मस्जिद बिलाल वगैरह और मस्जिद हरम शरीफ का मेन गेट उसी से सामने है, वो भी दिखाई दी जाएगी। बहरहाल बात यह है कि हम बात करेंगे कि हम अगर मदीना शरीफ में चेकिंग क्या सूरत हाल रखी। मैंने 2-2.5 दिन गुजार दिए, मार्केट्स आपके सामने तमाम तर खुली हुई हैं, कोई मार्केट्स मैंने बंद नहीं देखी। होता है ना कि मार्केट कोई बंद वगैरह थी, तो ऐसा कोई सीन नहीं मैंने देखा है, तमाम मार्केट्स खुली हुई हैं अभी भी, देख लें आप माशाल्लाह। और चेकिंग के मुतल्लिक दौरियात शूटों वगैरह की गाड़ियाँ बहुत हैं, ये तो आपको पता है कि मदीना और मक्का में ये लोग बहुत घूम। एक चीज़ मैं इसी वीडियो में ऐड करता चलूँ, वो ये है जी कि हम मदीना तो जद्दा के लिए जा रहे हैं वापस, तो तफ्तीश के ऊपर रोका गया, तो यहाँ पर तमाम पर इकामा वगैरह जो भी है वो चेक किए गए तमाम बंदों के, तो ये एक चीज़ मैंने देखी है। मैंने बोला ये वीडियो में ऐड करता चलूँ आपके साथ भी, जो तफ्तीश लगी हुई है किसी शहर से बाहर निकलते या इंटर होते वहाँ पर है। कल जुमा वाला दिन यहाँ पर खड़ी हुई थी, ये तमाम तरह रस्ते बंद किए हुए थे टाइम के, यानी कि 11 बजे के बाद इधर से आगे नहीं जाने देते हरम की तरफ। तो मैंने खुद से कोई एक ऐसा सीन नहीं देखा कि किसी दौरियत वाले ने बंदों को रोका हुआ है और उनके इकामे वगैरह चेक कर रहे हैं। हाँ होते होंगे इकामे चेक, जाहिर सी बात है उनका काम है, वो करते भी होंगे, लेकिन मेरी आंखों में कल से ऐसा सीन कोई नहीं आया कि मैंने देखा हो वो बंदे पकड़ रहा है वहाँ बैठा रहा है। और या मैं आपके साथ झूठ बोलने शुरू कर दूं कि बहुत सख्ती है यहाँ पर बच के रहिएगा ये है वो है, ऐसी बात नहीं है। मैं सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, कोई किसी किस्म का झूठ वाला मसला नहीं है। तो कल से मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा अपनी आंखों से। बहरहाल सख्ती तो आपको पता है चलती रहती है, जो बंदे इलीगल हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो होती ही है। तो बहरहाल मदीना शरीफ से भी मैंने आपको कुछ ये व्यू भी दिखा दिया और साथ में जो मैंने 2-2.5 दिन गुजारे हैं वो भी आपके साथ, यानी कि जो भी मैंने देखा हरम शरीफ के इर्द गिर्द तमाम तर ज़ियारात के ऊपर हम गए, वहाँ पर भी घूमा, वहाँ पर भी मैंने ऐसा कुछ सीन नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा इस चीज़ के ऊपर कि वो इसलिए क्यों कि तमाम तर भाई ऐसे खौफ में मुबतला मत रहें, घरों में मत बैठें, बाहर निकलें, अपना काम वगैरह करें या धंधा चलाएं। मार्केट में पहले ही बोलता हूँ, मार्केट पहले ही ठंडी है, आप अपनी दिहाड़ी वगैरह मत तोड़ें, काम जारी रखें अपना। अभी की जो सूरत हाल आपके सामने है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला किसी और से कम तलक आपने वीडियो वगैरह देखनी हो मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।